शिकायत करो। शिकायत कीजिए शिकायत, शिकवा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रोकर बात सुनेगा आपकी लेकिन कुछ एक्शन नहीं लेगा। शिकायत करेंगे अगर तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले ब्रोकर से शिकायत करें, ब्रोकर नहीं सुने तो कंप्लायंस ऑफिसर को, कंप्लायंस ऑफिसर नहीं सुने तो एक्सचेंज या कोर्ट सेबी में भी कर सकते हैं। शिकायत करना जरूरी है। और आज बात करेंगे आईसीसी डायरेक्ट के बारे में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर है नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स के हिसाब से। देखेंगे किस तरह की शिकायतें हैं, कितनी शिकायतें हैं, और अगर आप उनके क्लाइंट हैं तो आप किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं या कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे बताया, आईसीएससी डायरेक्ट या आईसीएससी सिक्योरिटीज भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर है। लेटेस्ट नंबर्स के अनुसार इसके पास 10,75,596 एक्टिव क्लाइंट्स हैं, जो कि डेफिनेटली एक अच्छा खासा नंबर दिखता है। इसके खिलाफ आज की तारीख में 197 शिकायतें हो चुकी हैं, उसमें से 160 ये ऑलरेडी रिजॉल्व कर चुका है। लेकिन ये 197 बनता है 0.01% इसके एक्टिव क्लाइंट्स का। इंडस्ट्री का एवरेज है शिकायतों का 0.06%। तो वहां पे आईसीएससी डायरेक्ट डेफिनेटली बेहतर दिखता है। जितना कम होगा नंबर ये उतना अच्छा। अब ये जो शिकायतें होती हैं अलग अलग तरह के क्लाइंट्स इस ब्रोकर के खिलाफ करते हैं, और ब्रोकर बेसिकली इन क्लाइंट्स को, इन कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करता है अपने ट्रेडिंग क्लाइंट्स को खुश रखने के लिए। ये जो 197 शिकायतें हुई हैं अलग अलग टाइप्स की हैं। सबसे पहली टाइप है टाइप वन, जो तब की जाती है जब आपका जो ब्रोकर है, इस केस में आईसीएससी डायरेक्ट, अपने क्लाइंट्स को टाइम से पैसा वापस नहीं करता। तो बेसिकली पेमेंट का डिले हो रहा है, मार्जिन का जो सेटलमेंट है वो नहीं कर रहे, किसी ना किसी लेवल पे उनका पेमेंट अटका के रखा हुआ है। इस तरह की करीब 11 शिकायतें हुई हैं, और बेसिकली उसमें से करीब 4 या 5 ऑलरेडी रिजॉल्व कर दी गई हैं। 11 शिकायतें बनती हैं करीब 5.5%, इंडस्ट्री का एवरेज है करीब 55%। तो वहां पे डेफिनेटली आईसीएससी डायरेक्ट एक बेहतर ब्रोकर दिखता है, इंडस्ट्री का एवरेज आधे से भी ज्यादा, और इसके करीब 5.5% क्लाइंट ही इस चीज से नाखुश है। तो जहां तक अगर आप इनके क्लाइंट हैं या बनना चाहते हैं, तो पेमेंट के लेके या पेमेंट कहीं फंसने की दिक्कत आपको ना होगी या शायद कम होगी। तो उस हिसाब से टाइप वन में एक ब्रोकर डेफिनेटली सेफ दिखता है। अगला जो कंप्लेंट टाइप है वो टाइप टू है। ये डॉक्यूमेंट्स को लेके होता है, जब आपकी कागजी कार्रवाई में कोई ना कोई दिक्कत होती है। इस केस में सिर्फ 4 शिकायतें हुई हैं, चारों रिजॉल्व कर दी गई हैं। डेफिनेट लेवल पे यहाँ पे भी एक अच्छा सॉर्ट ऑफ पॉइंट दिखता है। इंडस्ट्री का एवरेज है 0.78%, और इसके केस में करीब 3%, उससे भी शायद कम, ये तरह की शिकायत देखी गई है। तो सर्टेनली यहाँ पे भी सेफ है। तो चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन की बात हो या बात हो पैसों की, तो वहां पे आपका कोई चीज अटकेगा नहीं। तो दोस्तों अगली शिकायत है कंप्लेंट 4 टाइप की। कंप्लेंट 4 थोड़ा सीरियस टाइप है। सीरियस इसलिए है क्योंकि ये तब किया जाता है जब बेसिकली आपके अकाउंट में से, ट्रेडिंग अकाउंट में से पैसा इधर का उधर कर दिया जाता है, आपसे बिना पूछे ट्रेड लगा दी जाती है, आपसे कंसेंट नहीं ली जाती। बेसिकली ये उन क्लाइंट्स की तरफ से है जब पैसे या स्टॉक्स की हेरफेर हुई है। आईसीएससी डायरेक्ट के केस में करीब 53 ऐसी शिकायतें हुई हैं, जो बेसिकली इसका एवरेज बनाती है करीब 27% का। इंडस्ट्री का एवरेज सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, 6% से भी कम। तो इंडस्ट्री एवरेज काफी कम है इस चीज को लेके, बाकी के ब्रोकर शायद इतनी शिकायत नहीं देते, लेकिन इसके केस में करीब 27% लोगों ने शिकायत की है। आईसीसी डायरेक्ट का नाम आईसीसी डायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट तो नहीं। तो उस हिसाब से डेफिनेटली इस ब्रोकर को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की चीजें उनके क्लाइंट्स को फेस ना करनी पड़े। अगला टाइप है टाइप 5 का। इसमें भी दिक्कत है सर्विस को लेके। अगर आपसे ब्रोकरेज ज्यादा चार्ज कर ली गई है एज प्लान, जो आपका प्लान दिया गया उसके मुताबिक, या आपको कस्टमर सपोर्ट अच्छी नहीं दी गई, आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं चला, रॉन्ग ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया गया, उस केस में आप ये शिकायत टाइप सेटअप करते हैं। इसकी तरह की करीब 49 शिकायतें ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो कि बनाती है करीब 25% ओवरऑल इसकी शिकायतों का। इंडस्ट्री का एवरेज 4% से भी कम है। तो यहाँ पे भी आईसीएससी डायरेक्ट में दिक्कत दिखती है, जहां पे ये ब्रोकर अपने क्लाइंट्स को, जो कि उसको फुल सर्विस के लेवल पे, बैंक बेस्ड फुल सर्विस के लेवल पे अच्छा खासा ब्रोकरेज दे रहे हैं अच्छी सर्विस के लिए, लेकिन उसी चीज में ये ब्रोकर फॉल्टर हो रहा है।
आईसीसी डायरेक्ट को यहाँ पे अपनी कमर कसने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह की सर्विस ही देनी है तो बाकी लोग डिस्काउंट ब्रोकर के पास क्यों नहीं चले जाते, क्योंकि उनकी भी सर्विस कुछ खास नहीं होती। तो सर्विस के लेवल पे ही ये अच्छी खासी ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, तो इसके लिए तो देर इज नो एक्सक्यूज। तो दोस्तों अगला टाइप है टाइप 8। टाइप 8 में उन शिकायतों को दर्ज किया जाता है जो आईपीओ एप्लीकेशन को लेके होती हैं। मतलब अगर आपने आईपीओ एप्लीकेशन किया, कुछ दिक्कत आई, तो आप इस तरह की कंप्लेंट को फाइल करेंगे। पूरी इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी कम शिकायतें होती हैं, इंडस्ट्री का एवरेज है 0.06%। इनके केस में भी सिर्फ एक शिकायत इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में दर्ज हुई है, जो कि 0.51% बनता है। तो एक तरीके से इस पर्टिकुलर टाइप में आप सेफ अज्यूम कर सकते हैं। और फाइनली टाइप 9 आता है, जिसमें अदर्स को डाला जाता है। अदर्स बेसिकली, अगर इन टाइप्स में आपकी कंप्लेंट एक तरह से फॉल नहीं करती तो आप टाइप 9 में डालेंगे। पूरी इंडस्ट्री में बेसिकली इंडस्ट्री एवरेज है इसका करीब 26%। इनके केस में करीब 79 शिकायतें हुई हैं, जो कि करीब 40% बनता है, 40 से थोड़ा ज्यादा बेसिकली। तो एक तरह से बाकी की सारी टाइप ऑफ शिकायतें 40% की हैं, और जो हमने डिस्कस की हैं वो ऑलमोस्ट 60% बनाती हैं। तो एक तरह से अगर समराइज किया जाए तो आईसीसी सिक्योरिटीज, आईसीसी डायरेक्ट, जो भी नाम लें इसका, इसके क्लाइंट्स को मेजरली इनके अनऑथराइज ट्रेड्स को लेके या इनकी सर्विस को लेके दिक्कत है। अब देखिए, दो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। अनऑथराइज ट्रेड्स का मतलब ट्रस्ट फैक्टर, और आईसीसी जैसा बड़ा ब्रांड अगर ट्रस्ट फैक्टर के लिए खड़ा नहीं हो सकता तो डेफिनेटली उसके क्लाइंट्स किसी और ब्रोकर के पास इजीली जा सकते हैं। दूसरी चीज है सर्विस को लेके, और सर्विस के लिए ही इस तरह के ब्रोकर्स को ज्यादा पैसा दिया जाता है, और इसी चीज में ये फेल हो रहा है। तो आईसीसी डायरेक्ट को डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स लाने की जरूरत है, ताकि इस तरह की कंप्लेन्स इसके खिलाफ कम दर्ज हो ना दर्ज हो बेहतर रहेगा। वैसे इंडस्ट्री के हिसाब से काफी कम है, 0.01%, लेकिन सर्टेनली ये इंप्रूवमेंट्स और ला सकता है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल लेवल पे एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आईसीआईसी डायरेक्ट की कंप्लेंट्स के ऊपर। उसको हमने सेग्रीगेट किया थोड़ा थोड़ा बहुत, और देखा कि किस तरीके की शिकायतें इसके खिलाफ ज्यादातर होती हैं। अगर आप इनके क्लाइंट हैं और आपको कोई दिक्कत हुई है तो आप सर्टेनली इनके कंप्लायंस ऑफिसर को रीच आउट कर सकते हैं। ये मेल आईडी आप देख रहे हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। आप फोन भी कर सकते हैं इस नंबर पे, बट बेटर ये रहेगा कि पहले आप इनके कस्टमर सपोर्ट को गेट इन टच विद देम एंड फिगर आउट कि अगर आपको उसका सोल्यूशन वहीं पे मिलता है, नहीं मिले अगर तो आप कंप्लायंस ऑफिसर को रीच आउट करें। कंप्लायंस ऑफिसर अगर आपको सोल्यूशन नहीं देता है तब आपको कंप्लेंट करनी चाहिए एनएससी की वेबसाइट पे, एंड देन यू शुड गो टू सेबीज वेबसाइट। बेसिकली मोस्ट लाइकली ये चांस है कि ये शायद आपकी जो कंप्लेंट है पहले ही सॉल्व हो जाएगी, बट स्टिल ये सारी हायरार्की आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इनके क्लाइंट हैं तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको किस तरह की शिकायत फेस करनी पड़ी है, ताकि बाकी यूजर्स को भी इससे मदद मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल हो। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अर्डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ और लेटेस्ट ट्रेंड्स को जानने के लिए। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।